नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति हर्ष बिंदल और अगले आधे घंटे में तमाम बड़ी खबरों पर हम नजर डालेंगे। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर हम आपको बताते हैं दिल्ली से। दिल्ली में आज से सातवें रायसीना डायलॉग की शुरुआत हो गई है और इसी के साथ साथ आपको बताते चले पीएम मोदी रायसीना डायलॉग का उद्घाटन करेंगे और इसी के साथ साथ आपको बताते चले 90 देशों के 210 से अधिक स्पीकर इसमें शामिल होंगे। 27 अप्रैल तक दिल्ली में होगा रायसीना डायलॉग और दिल्ली में आज से सातवें रायसीना डायलॉग की शुरुआत हो चुकी है। पीएम मोदी रायसीना डायलॉग का उद्घाटन करेंगे, ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 90 देशों के 210 से अधिक स्पीकर इसमें शामिल होंगे। 27 अप्रैल तक दिल्ली में रायसीना डायलॉग होगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं तो ये कार्यक्रम और भी ज्यादा भव्य होगा और ये कार्यक्रम सफल रहे इसको देखते हुए तमाम तैयारियां पहले से ही पूरी की गई हैं। 90 देशों के 210 से अधिक स्पीकर इसमें शामिल होंगे। 27 अप्रैल तक दिल्ली में होगा रायसीना डायलॉग। दिल्ली में आज से सातवें रायसीना डायलॉग की शुरुआत हो गई है और 27 अप्रैल तक ये रायसीना डायलॉग चलने वाला है। बहुत भव्य कार्यक्रम रहने वाला है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम का खुद उद्घाटन करने वाले हैं। 90 देशों के 210 से अधिक स्पीकर इसमें शामिल होंगे और 27 अप्रैल तक दिल्ली में रायसीना डायलॉग का ये कार्यक्रम रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायसीना डायलॉग का उद्घाटन करेंगे। 90 देशों के 210 से अधिक स्पीकर इसमें शामिल होंगे तो ये कार्यक्रम अपने आप में बहुत भव्य और बहुत बड़ा कार्यक्रम रहने वाला है जहां पर 90 देशों के स्पीकर इसमें शामिल रहेंगे जो कि अपनी अपनी राय अपने अपने देश को रिप्रेजेंट करेंगे। और सातवां इंटरनेशनल रायसीना डायलॉग है ये, जहाँ पर 90 देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे, 210 से अधिक स्पीकर होंगे इसमें और देश प्रगति करे उसको देखते हुए ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी रायसीना डायलॉग का उद्घाटन करेंगे, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और यहां पर तमाम और भी अधिकारी उनके साथ में मौजूद हैं। हेमवती बहुगणा की जयंती है आज, माल्यार्पण कार्यक्रम में पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो ये सीधा तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, हेमवती नंदन बहुगणा की जयंती है आज और सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँचे हैं, उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण किया है। साथ में और भी नेता मौजूद हैं माल्यार्पण कार्यक्रम में। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुँचे हैं, तस्वीरें आपको सीधा दिखा रहे हैं। हेमवती नंदन बहुगणा की जयंती है आज, माल्यार्पण कार्यक्रम में पहुंचे हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ को हेमवती नंदन बहुगणा की जयंती पर पहुंचना था। हेमवती नंदन बहुगणा की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। योजना भवन स्थित मूर्ति पर सीएम ने माल्यार्पण किया है। सुबह 10:30 बजे कोविड-19 के साथ सीएम बैठक करेंगे और 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास पर बैठक होगी। 11:30 बजे आज़ादी के अमृत महोत्सव में शिरकत करेंगे। नवोन्वेषी कृषि विषय पर आयोजित कार्यशाला में भी हिस्सा लेंगे।
5 कालिदास मुख्यमंत्री आवास से सीएम योगी आदित्यनाथ जुड़ेंगे। लखनऊ से सीधा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में आज से सीएम योगी आदित्यनाथ आज पहुंच रहे हैं। रीता हेमवती बहुगणा जोशी की मूर्ति पर उन्होंने माल्यार्पण किया है। सीधा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आगे का क्या प्रोटोकॉल रहने वाला है और आगे का क्या कार्यक्रम रहने वाला है उसके बारे में भी हमने आपको जानकारी दी है। अश्विनी द्विवेदी ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर बने हुए हैं। अश्विनी, सीधा तस्वीरें हमने दिखाई, सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। हेमवती नंदन बहुगणा की जयंती है आज और उन्हें नमन किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, इसके अलावा क्या कुछ खास? बिल्कुल मुख्यमंत्री के आज कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसमें आज जो आज पहले से वो हेमवती नंदन बहुगुणा जो पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के पुलिस रूप से देखता था, उस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आए थे। निश्चित तौर पर उनका काफी योगदान था उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तराखंड के लिए। तो ऐसे में उनकी जयंती के अवसर पर आज योजना भवन में उनकी मूर्ति है, वहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे, बाकायदा उनको पुष्प अर्पित किए और उनके जो उनका उनका जो काम था उत्तर प्रदेश के लिए उसका उपस्थान भी किया। निश्चित तौर पर आज 9:30 बजे कार्यक्रम है, वो आज कोविड को लेकर के बैठक होनी है, 19 को लेकर के निश्चित तौर पर उसमें शिरकत करेंगे और 5 कालिदास मार्ग पर ये मुख्यमंत्री आवास पर पूरी बैठक होगी। निश्चित तौर पर 11:30 बजे जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का, वो आजादी के अमृत महोत्सव पर नवोस्वी विषय पर आयोजित कार्यशाला में भाग लेंगे। निश्चित तौर पर ये कार्यक्रम भी है जो मुख्यमंत्री आवास से निश्चित तौर पर जो अमृत महोत्सव काल उत्तर जो देश मना रहा है आजादी का, इसमें तमाम ऐसे कार्यक्रम रहे जो समय समय पर होते रहे, जो हमारी आजादी को लेकर के क्या कुछ रहा, कैसे पूरी आजादी मिले, इन विषयों को लेकर कार्यक्रम होते हैं। उसी में एक नवोन्वेषी आकर्ष विषय है जिसको लेकर के आज पूरा कार्यक्रम होगा, जिसमें मुख्यमंत्री भी जुड़ेंगे। जी ठीक है अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। पांच कालिदास मार्ग पर मुख्यमंत्री आवास पर बैठक होगी और ये बैठक काफी ज्यादा खास मानी जा रही है। 11:30 बजे आजादी के अमृत महोत्सव में भी शिरकत करेंगे। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ का जो पूरे दिन का शेड्यूल है वो काफी ज्यादा बिजी रहने वाला है। 5 कालिदास मुख्यमंत्री आवास से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ जुड़ेंगे और इसके बाद उनका आगे का भी कार्यक्रम है। आज पहले वो हेमवती नंदन बहुगणा की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के लिए पहुंची। हेमवती नंदन बहुगणा ने महत्वपूर्ण योगदान निभाया है उत्तर प्रदेश की प्रगति में और इसलिए आज उन्हें याद भी किया जा रहा है। तो सुबह 10:30 बजे कोविड-19 के साथ सीएम बैठक करेंगे। चलिए इस बीच रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। गोंडा पहुंच चुके हैं डिप्टी सीएम बृजेश पाठक और सर्किट हाउस में स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की है। आईटीआई मनकापुर में कार्यक्रम में शामिल होंगे बृजेश पाठक और इसी के साथ साथ बीजेपी के जिला प्रशिक्षण शिविर में शिरकत करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। गोंडा पहुंचे डिप्टी सीएम बृजेश पाठक, स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई है और इसी के साथ साथ आईटीआई मनकापुर में कार्यक्रम में भी शामिल होंगे बृजेश पाठक। आगे क्या कुछ कार्यक्रम रह रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी के जिला प्रशिक्षण शिविर में भी शिरकत करेंगे और इसी के साथ साथ आपको बताते चलें, गोंडा दौरे पर डिप्टी सीएम बृजेश पाठक का ये दौरा काफी ज्यादा खास माना जा रहा है। लगातार डिप्टी सीएम बृजेश पाठक अपने महकमे को लेकर के काफी ज्यादा सतर्क दिखाई दे रहे हैं, एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और लगातार चेकिंग अभियान भी उनकी ओर से औचक निरीक्षण किया जा रहा है। लेकिन आज मनकापुर पहुंचेंगे बृजेश पाठक और वहां पर भी जाकर के जांचेंगे कि किस प्रकार से स्वास्थ्य सुविधाएं चल रही हैं। बीजेपी के जिला प्रशिक्षण शिविर में भी हिस्सा लेंगे और गोंडा दौरे पर डिप्टी सीएम बृजेश पाठक हैं, उनका ये दौरा काफी ज्यादा खास भी माना जा रहा है। लगातार वो अपने दौरे कर रहे हैं और एक के बाद एक औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं, स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं और आगे आने वाले वक्त को देखते हुए स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत हों उसको देखते हुए लगातार बृजेश पाठक काम कर रहे हैं।
गोंडा दौरे पर डिप्टी सीएम बृजेश पाठक। और अब अगली खबर आपको जौनपुर से बता देते हैं। कलयुगी पिता ने अपने दो बच्चों की हत्या कर दी है। कलयुगी पिता ने कुएं में फेंक करके बच्चों की हत्या की है। आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जफराबाद क्षेत्र के नेपुरा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है इस वक्त। तो कलयुगी पिता ने कुएं में फेंक करके बच्चों की हत्या की, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जौनपुर से ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। जाफराबाद क्षेत्र के नेपुरा का पूरा मामला, जाफराबाद क्षेत्र के नेपुरा गांव का ये पूरा मामला है। कलयुगी पिता ने अपने दो बच्चों की खुद हत्या कर दी। आखिर वजह क्या रही होगी कि अपने ही मासूम बच्चों की हत्या कर दी गई होगी। कुएं में फेंक करके बच्चों की हत्या की है। कुएं में फेंकते वक्त अपने बच्चों को क्या एक बार भी ख्याल नहीं आया होगा कि आखिरकार वो कर क्या रहा है। तो ये पूरा मामला हम आपको जाफराबाद क्षेत्र के नेपुरा गांव का बता रहे हैं, जहां पर एक कलयुगी बाप ने अपने दो बच्चों की खुद हत्या कर दी है। इसके पीछे की वजह क्या है, इस पर अब पुलिस जांच कर रही है। लेकिन इस मामले के बाद आसपास हड़कंप का माहौल है कि आखिरकार एक पिता अपने बच्चों की हत्या खुद कैसे कर सकता है। इधर लखनऊ से भी एक बड़ी खबर आ रही है। युवक पर पेट्रोल छिड़क करके जलाने का मामला सामने आया है और आग की चपेट में आने से युवक की हालत काफी नाजुक हो गई है। पीड़ित परिजनों ने पार्षदों के गुर्गों पर आरोप लगाया है। पार्षद हर्षित दीक्षित के गुर्गों पर आग लगाने का आरोप है। युवक को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हसनगंज थाना क्षेत्र के छितवापुर चौकी क्षेत्र की यह पूरी घटना बताई जा रही है। मेरे लड़के को कल मारा, बहुत मारा। 10 बजे रात में कहने लगे चोरी करने आए हैं। वही अमित ने मारा, अमित शंकर ने मारा, अरविंद ने मारा और टारजन ने मारा, अंशु ने मारा। ये लोग मोहल्ले में रहते हैं, महावीरपुरी में। और लाल है उनका लड़का, उनका आदमी पापा, सट्टा लिखते हैं। इसीलिए हम कहते हैं पूरा सपोर्ट करते हैं। हर्षित दीक्षित भी उनके सपोर्ट ले रहे थे। पूरा मोहल्ला उनका तरफ से आग लगाया है। पूरे औरतें ने मेरे 3-4 लोगों ने मुझको मंजिल के मारा है। जिन्होंने आपके भाई बताइए, टारजान है, अरविंद है, अंशु है, अमित हैं, 4-5 भाई हैं। इन लोग मिलके मारा है। इन लोग सट्टा चलाते हैं, चार बार फेंक रहे हैं। कम ना बोलो। आज मेरे भाइयों को फूंक दिया मेरे सामने, कल मेरे भाइयों को मारा था मेरे सामने। मैं कुछ कर भी नहीं पाया। दुकान उठवा देंगे। आपने इसको लेकर थाने में किसी तरीके से तहरीर दी? लेके गए तो कहते हैं तो तुम्हारी रोज की लड़ाई होती है। रोज की लड़ाई कर रहे मेरे भाइयों को। मेरे भाइयों को चोरी का नाम लगा रहे थे। आज वो लिखाया, सभासद को बुलाया मेरे भाई को फंसाने के लिए, औरतिया को बैठाने के लिए थाने में गई, चौकी में इंचार्ज को बुलाया। वो हर्षित दीक्षित सभासद हैं, पूरा उनके क्षेत्र में रहता है, उनका सपोर्ट करता है। 3-4 लोग मेरे लड़के को कल मारा, बहुत मारा। अमित ने 10 बजे रात में कहने लगे चोरी करने आए हैं। वही अमित ने मारा, अमित शंकर।